हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेलकम टू दिस सेशन टुडेज टॉपिक इज़ टेंसिस आज मैं आपको टेंसेस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि टेंसिस अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको कम्पोजिशन uh, आते हैं आर्टिकल्स आते हैं रिपोर्ट राइटिंग आती हैं शॉर्ट कम्पोजिशन आते हैं ट्वेल्थ में आप लोगों को पता होगा एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं नोटिस भी आते हैं तो जब तक आपके टेंसेज क्लियर नहीं होंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आपको जो है आज मैं टेंसेस इसीलिए रिवाइज़ करा रही हूँ क्योंकि और इससे पहले भी आपने टेंसेस कई बार ही करे होंगे परंतु कुछ बेसिक चीज़ें आज मैं जो है आपको टेंसेसिस के मैं बताऊँगी कि क्या होते हैं टेंसेस तो टेंसेज आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है थ्री टाइप्स के होते हैं प्रेजेंट टेंस होता है पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है प्रेजेंट टेंस जो हम काम कर रहे हैं करते हैं या कर चुके हैं जितना हमारा काम जो है प्रेजेंट में होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस जितना काम हम कर चुके थे ठीक है पास्ट टेंस में जितना हम काम कर चुके हैं थे तो उतने जो भी काम हमारा चुका था या था कर चुके थे तो वो सारे हमारे पास्ट टेंस में आते हैं और जो हमारी प्लानिंग होती है आगे करने की फ्यूचर में करने की उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस तो टेंस का मतलब होता है कि समय टाइम टाइम का रिलेशन किससे होता है वर्क से किस समय हम कौन सा काम कर रहे हैं अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस हो जाता है अगर कर चुके थे हमने काम कर लिया है तो उसको हम बोल देंगे पास्ट में हमने कर लिया है और अगर हम फ्यूचर में करने की करते हैं तो इसका रिलेशन जो होता है हमारा टाइम का किससे रहता है वर्क से कि किस समय हम कौन सा काम कर रहे हैं तो सबको पता है कितने टेंसेज होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं फोर टू ईच टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस को हम फोर में डिवाइड करते हैं प्रेजेंट इन डफिनेट प्रजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस सिमिलरली पास्ट में करते हैं सिमिलरली फ्यूचर में तो इन ऑल हमारे कितने टेंसेज होते हैं ट्वेल्व टेंसेज होते हैं पास्ट इन डफिनेट पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट सिमिलरली फ्यूचर में होते हैं तो टोटल हमारे हो गए ट्वेल्व टेंसेज बिफोर वी स्टार्ट आवर टेंसेज तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए पहला है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको तीन बातों का ध्यान में रखना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कैसा है कौन सा है तो सबसे पहले कोई भी अगर आप टेंस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क सब्जेक्ट विचवन इज सब्जेक्ट विचवन इज वर्ब एंड विचवन इज ऑब्जेक्ट अभी मैं बोर्ड में आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको कराती हूं कि क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट टेंस हमारे कितने होते हैं बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है प्रेजेंट मींस जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं पास्ट देन फ्यूचर इसका आपको पता है इसमें ताह ती है कोई भी सेंटेंस होता है विच एंड वि है, है मैं करता हूँ मैं खाता हूँ मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूस हो जाएगा तो वो हो जाता है हमारे प्रेजेंट टेंस में हो जाता है जो हम काम कर चुके थे या हमने खाना खा लिया पास्ट में कर लिया वो हमारे आते हैं पास्ट टेंस में आते हैं और फ्यूचर में जो हमारे मैं करूँगा खाऊँगा प्रोमिस करते रहते हैं वो हमारे आते हैं फ्यूचर टेंस में इनको फर्दर डिवाइड करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है फिर भी मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट इंडेफिनेट ऐसे पास्ट इन डेफिनेट फ्यूचर इन डेफिनेट एंड सेकेंड वन इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड थर्ड वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हम क्या कहते हैं काम कर चुके हैं जो हम काम कर चुके हैं परफेक्ट है काम हमारा उसको बोलते हैं परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है दो टेंसेस से मिलके बना है एक तो परफेक्ट और दूसरा कॉन्टीन्यूअस टेंस में तो जब हम पढ़ाएंगे देन आई विल टेल यू कि कैसे हमने ज्वाइन करे हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से सिमिलरली पास्ट में आएगा पास्ट इन डेफिनेट पास्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फ्यूचर इन फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस तो टोटल तो हमारे टेंसेस कितने हो गए ट्वेल्व टेंसेस कितने हो गए ट्वेल्व फोर 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 ठीक है बेसिक चीजें क्या हमें तीन इसमें याद रखनी है एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम टेंस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें तीन चीजें जो है पता होनी चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो तीन चीजें इसमें माफ करनी पड़ती है फर्स्ट वन इज subject, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको शॉर्ट में हम लिखते हैं ओ वी एस तो किसी भी सेंटेंस में बहुत जरूरी होता है कि ये तीन चीजें हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है फॉर एग्जाम्पल सीता सिंग्स सॉन्ग सिंपल सा सेंटेंस है सीता गाना गाती है अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें मार्क करना है आपको कि सीता क्या है हमारे यहाँ पे सीता जो है हमारा सब्जेक्ट है सिंग्स क्या है हमारा वर्ब और सॉन्ग क्या है हमारा ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यह है कि हमें यहाँ पे वर्ब पता होना चाहिए कि कौन सी क्रिया हो रही है इसमें वन इज योर ऑब्जेक्ट और कौन सा हमारा सब्जेक्ट है ये चीजें जो है हमें पता होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग जो है हम टेंसेज में चेंज करते हैं जैसे ये तो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है पास्ट में हो जाएगा सीता sang a सॉन्ग तो हम क्या है वर्ब को ही चेंज करना है टेंसेस के अकॉर्डिंग तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ जैसे हमें सीता सिंग से आ गया अगर यहाँ पे दे होता है तो क्या हो जाता है दे अगर सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है यहाँ पे सिंग होता है ऐसे ही लगाते हैं हम उसमें दे सिंग सॉन्ग तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब कौन सा है ऑब्जेक्ट कौन सा है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे जो हैं टेंसेस चेंज होते हैं अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो भी हमारा चेंज हो जाएगा कि वर्ब भी चेंज हो जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम टेंसेस को चेंज करते हैं तो पहली चीज तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्योंकि वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं या कोई भी टेंसेस करते हैं तो उसमें जो है वर्ब जो है इसका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंग सिंग सांग, संग थ्री फॉर्म्स हैं तो सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ़ द वर्ब तो जब भी टेंसेस आप जो भी टेंथ में करे होंगे तो आप लोगों ने क्या करा होगा कि थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है लर्न करे होंगे पहला होता है हमारा बेस फॉर्म दूसरा होता है पास्ट थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ जो है आईएनजी फॉर्म लेते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बेस फॉर्म से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं हम जैसे गो वेंट गॉन और यहां पे आ जाएगा गोइंग गो प्लस आई एन जी तो क्या बन गया ये गोइंग इसको हम बोलते हैं आई एनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि बेस फॉर्म से बनता है बेस फॉर्म क्या है हमारी गो गो में आई एनजी लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा गोइंग तो इस तरह से जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्क तो जब भी हम टेंस करेंगे तो ये आपको याद करनी पड़ेगी थर्ड पॉइंट इज ग्रामेटिकल पर्सन तीसरी बात क्या ध्यान में रखने आपको ग्रामेटिकल तो ग्रामेटिकल पर्सन जो है ग्रामर में जो है थ्री टाइप्स के पर्सन होते हैं एक होता है फर्स्ट पर्सन सेकेंड होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन तीसरा होता है थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं आई और प्लूरल में यूज करते हैं वी सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही शी एथ और प्लूरल में दे तो ये थ्री टाइप के हमारे ग्रामेटिकल पर्सनस होते हैं जो कि हमारे यूज होते हैं हर सेंटेंस में जो है यूज होते हैं तो तीन बातें आपको कौन कौन सी याद करनी है टेंसेस में एक तो है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें हमें क्या मांग करना है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेकेंड चीज आपको क्या बताई थी मैंने थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बेस फॉर्म पास्ट पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट आईएनजी फॉर्म बोलते हैं उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है जो कंटिन्यूस टेंसेज में यूज होती है तीसरा आपको ग्रामेटिकल पर्सन को ध्यान में रखना है कि आई और वी के साथ हमें कौन सा क्योंकि आगे अभी हम टेंसेस करेंगे तो कैसे करके यूज करना है तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई और वी सेकेंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही शी इट और प्लुरल में दे का हम यूज करते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस खाली मैं आपको तो फॉर्मूले बताऊंगी और एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी शॉर्ट में जिससे कि आप जो है उसको घर में कर सकें प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में कोई भी सेंटेंस होते हैं वो एंड होते हैं ता मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ मैं खेलता हूँ तो जितने सेंटेंस जो हैं ता है ती है कैसे एंड होते हैं उन सबको जो है हम प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में आते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसलिए मैंने अभी बताया था आपको कि थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है आपको आनी चाहिए तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं प्लूरल uh, के साथ खाली वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है अभी मैं एग्जाम्पल में बताऊंगी और अदरवाइज जो है कुछ वर्ड्स के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं देन ऑब्जेक्ट तो ये आपका फॉर्मूला है इसको आपको याद में रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट इन डेफिनेट मीन्स अनिश्चित मैं खाना खाता हूँ मैं खाना खाता हूं कब खाता हूं यह डेफिनेट नहीं है इसीलिए इसको बोला है इनडेफिनेट अनिश्चित है क्या है ये अनिश्चित है डेफिनेट नहीं है इनडेफिनेट है तो इसको तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे राम प्लेस फुटबॉल कोई भी सेंटेंस है आप घर में बना सकते हैं इसी से आपकी जो है कंपोजिशन भी स्ट्रांग होगी जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे या पैरा राइटिंग करेंगे तो उतना जो है स्ट्रांग होगा अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो आप जो है कोई भी अगर सेंटेंस आपके माइंड में आता है तो आप क्लियरली उसको बना सकते हैं तो यहाँ पे हमारा राम क्या है सब्जेक्ट है प्लेस क्या है आपका वर्ब है और फुटबॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट अगर यहां पे सब्जेक्ट की जगह दे आ जाएगा अगर यहां पे हम दे यूज कर लेंगे थर्ड पर्सन को यूज कर लेंगे तो यहां पे वर्ब की क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी दे प्ले फुटबॉल वी प्ले फुटबॉल ही प्लेस फुटबॉल तो यहां पे सिंपल सा क्या है ही शी के साथ हम क्या यूज करते हैं वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आई यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं वर्ग की फर्स्ट फॉर्म खाली हम क्या यूज करते हैं वर्ग की फर्स्ट फॉर्म अगर इसी में प्रेजेंट इन डेफिनेट में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस सबको एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते है? Positive sentences को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर negative है, तो हम किसका यूज करते हैं डू और का यूज करेंगे किसके साथ करेंगे आई यू वी दे के साथ डू यूज करेंगे ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे डज नॉट और इसके साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं क्वेश्चन वाले हैं तो हम डू do या डस को हम पहले यूज करेंगे बिफोर द सब्जेक्ट तो ये है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस आज मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ फॉर्मूला मैंने बता दिया एग्जाम्पल्स बता दिए और रूल्स बता दिए कि किस तरह से आप यूज़ करेंगे सेकेंड वन इज योर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ये सारे हमारे क्या है प्रेजेंट में काम हो रहे वो इनडेफिनेट था ये हमारा काम क्या है चल रहा है मैं खाना खा रहा हूं मैं खेल रहा हूं तो वो सारे सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है कि चल रहा है हमें खाना खा रहा हूं मैं खेल रहा हूँ मैं पढ़ा रही हूँ जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूं तो मैं कहूंगी मैं पढ़ा रही हूं तो जितने भी हमारे रहा है रही है जितने भी सेंटेंसेस होते हैं कॉन्टिन्यूस चलते हैं तो उनको बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो इसका हमारा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी अब यहां पे हमारी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म जो है हमारी यूज होती है हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो पास हो चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो वहां पे हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं इज यूज करते हैं आई के साथ हम एम यूज करते हैं प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं आर जैसे एम राइटिंग और लेटर मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे M. M क्या है हमारा? Is हमारे हैं हेल्पिंग वर्ब इनको क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जो मेन वर्ब के साथ हमारे यूज होते हैं उनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब तो एम क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या हमारा राइट right है तो यहां पे क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम यहां लिखेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर में एक पत्र लिख रहा हूं अगर प्लूरल होगा तो हम क्या लिखेंगे दे आर राइटिंग अ लेटर सेम चीज है यहां पे दिस इज योर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये आपका मेन वर्ब हो गया ये हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट सिमिलरली यहाँ पे दे इज योर सब्जेक्ट आर जो है हेल्पिंग वर्ब है राइटिंग इज योर वर्ब सॉरी लेटर इज योर ऑब्जेक्ट तो दे आर राइटिंग अ लेटर अगर ही आएगा या शी आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे शी इज राइटिंग अ लेटर वह एक पत्र लिख रही है शी इज राइटिंग ऑ लेट तो यहाँ पे क्या है सिंगलर शी ही के साथ क्या आएगा हम इसका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे आई के साथ खाली हम किस का यूज करेंगे एम का यूज करेंगे तो सिंपल सा क्या हो गया हमारा ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे इस प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आई के साथ हम यूज करेंगे एम प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी सिमिलरली यू वी दे के साथ हम यूज करेंगे आर प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी तो ही शी इट के साथ क्या यूज करेंगे एस एम आर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आ जाएगा इज नॉट आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर ही इज शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर तो इस तरह से आप जो हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम एज एम आर का यूज करते हैं और नेगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्क के साथ थर्ड वन इज य प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स जो हमारा काम परफेक्ट है मैं काम कर चुका हूँ वे काम कर चुके हैं परफेक्ट है मेरा काम कि मैं काम कर चुका हूँ कंटिन्यूसन में चल रहा था कंटिन्यूस हो रहा था इनडेफिनेट में क्या था कोई निश्चित नहीं था मैं खाना खाता हूँ कब खाता हूँ कुछ डेफिनेट नहीं था और अब जो है प्रेजेंट टेंस है इसका मतलब क्या है कि मैं काम कर चुका या मैं खाना खा चुका हूं तो उसमें हम जो है यूज करते हैं हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो जितना भी काम कर चुका हूं तो उसमें आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब Then, object. तो यह आपका फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्टेंस में इसको आपको अपने माइंड में रखना है कि अगर मैं काम कर चुका हूं तो मुझे क्या यूज करना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है कौन सी फॉर्म यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है हेज है साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं तो यह आपको माइंड में रखना है कि जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूं वैसे तो आपने कई बार ही करे होंगे बट जो मैं ये शॉर्ट में आपको एग्जांपल्स uh, के हेल्प से क्लियर करा रही हूँ डाउट्स तो इसको आप अपने कीप इट इन माइंड कि क्या हमें कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा वर्ब की वो uh, याद करना है क्योंकि कंपोजिशन लिखते समय कई सेंटेंसेस हमारे माइंड में आते हैं और हमारी समझ में नहीं आता है कि हमें हैज़ लगाना हैव लगाना है तो वहाँ पर हमारी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है तो यहाँ पर हमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है जैसे ही हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है आपको जैसे ही हैज रिटर्न थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटर्न तो ये आपको याद करनी है थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जब तक ये याद नहीं करेंगे तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द टेंसेस ही हैज रिटर्न अ लेटर वह एक पत्र लिख चुका है ही हैज अगर यहां पे दे यूज करूंगी या वी यूज करूंगी तो क्या आ जाएगा दे हैव प्लूडल के साथ हम क्या यूज करेंगे हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वे पत्र लिख चुके हैं वे एक पत्र लिख चुके हैं तो यहां पे क्या है ही क्या है आपका सब्जेक्ट है हैज हेल्पिंग वर्ब है रिटर्न इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और दिस इज योर ऑब्जेक्ट सिमिलरली यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ द जो हमने फॉर्मूले में लिखा है वही हमने यहाँ पे अप्लाई करा है ही हैज रिटन अ लेटर तो वह एक पत्र लिख चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा ही हैज रिटन अ लेटर शी होगा तो शी हैज आ जाएगा दे हैव रिटन अ लेटर तो तो सिंपल फॉर्मूला क्या है इसका ही शी ही साथ हम क्या यूज करते हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई यू वी दे इसके साथ हम क्या यूज करते हैं हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो ही इट के साथ क्या यूज करते हैं हम हैज और आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं हैव का यूज करते हैं आई हैव रिटर्न अ लेटर तो आई के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे हैव यूज करेंगे तो आई हैव रिटर्न अ लेटर ही हैज़ रिटर्न अ लेटर तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आई थिंक आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम क्या यूज़ करते है? मैंने हैं मैंने फॉर्मूले बताएं और आज आपका होमवर्क यह है कि आप घर में जाके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं या पैरा राइटिंग करें कि क्योंकि आप लोग जो है ट्वेल्थ क्लास में हैं तो पैरा राइटिंग आता है एग्जाम में शॉर्ट कंपोजिशन भी आते हैं एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं तो आज आप जो है घर में प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडाफिनेट में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक एक पैरा लिखें यह आपका होमवर्क है इससे जो है आपकी राइटिंग हैबिट भी बनेगी और आपके टेंसेस भी स्ट्रांग होंगे तो आज जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको इसी वीडियो को देखना है तो आप डी डी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे